हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल। और इस वीडियो में हम इसका हिंदी रूपांतर और इसके भावार्थ पर चर्चा करेंगे। तो पहली चार लाइनों में कवि कहते हैं, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। जिस तरह से एक कौवे ने मुझ पर बर्फ की धूल गिरा दी एक हेमलॉक के पेड़ से, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. तो इससे बदल गया मेरे दिल का मूड, या मेरे दिल का जो चित्र था इससे बदल गया, और बच गया वो भाग जो एक पछतावे वाले दिन का था। तो दोस्तों, इस कविता में कवि कहते हैं कि वो दिन उनके लिए अच्छा नहीं था। वो दिन होता है जैसे हम सभी की लाइफ में होता है कि कोई दिन हम सोचते हैं कि शायद आज ये दिन ऐसा ना होता तो अच्छा होता। तो ऐसे ही एक दिन में कवि गुजर रहे थे। तो वो एक पेड़ के नीचे आते हैं और चारों तरफ सर्दी का माहौल है और उस पेड़ पे भी बर्फ़ जमी हुई है। तो उस पे बैठा जो कौवा होता है वो कोई ऐसी हरकत करता है जिससे कि बर्फ़ धूल की तरह बिखर के उनके ऊपर आ गिरती है। और जब वो आती है तो वो जो घटना होती है इससे उनका जो दुखी मन होता है, वो दुखी जो मूड होता है वो सुखी मूड में बदल जाता है, उनका दिल जो है प्रसन्न हो जाता है। और कवि आगे कहते हैं कि वो जो दिन था, जो पछतावे वाला दिन था, जो दिन दुख का था, उसका वो भाग है वो बच गया मेरे लिए, मतलब वो भाग सुखी हो गया। तो इस कविता का मैसेज ये है कि एक छोटी सी प्राकृतिक घटना हमारे दिल को कितना प्रभावित कर सकती है। तो दोस्तों, आशा है आपको इसका भावार्थ और इसका रूपांतर पसंद आया होगा। अपने विचार हमें ज़रूर लिख के भेजें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक करें। तो अगली बार तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। तो फिर मुलाकात होगी। गुड बाय।